लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड डे सर, आप लोग दो दिन से ऑफिस में सो रहे हैं सर, लेकिन आपकी टेंशन का हल है मेरे पास, एक हथियार है। हथियार? हथियार मतलब आइडिया सर। लोहार के खानदान के हो जो आइडिया को हथियार बोल रहे हो? सर आप एक नंबर के आवारा अय्याश और लड़कीबाज हैं सर, आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ए, क्या बोल रहा है तू? और आप भी कुछ कम नहीं है, सामने भाभी और बगल में बॉबी। क्या रे, क्या बोला तू? ऐसा आपको एक दूसरे की बीवियों को कहना है सर, आपको खुद को विलन और सामने वाले को हीरो बनाना है सर, इससे आप ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे दूध के दूले हुए हो। मैं आपकी गाय हूँ सर। सर अगर आपको आइडिया पसंद नहीं है तो वापस दे दीजिए सर। सर मुझे कोई मारता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है सर। अरे इतना पॉजिटिव आइडिया पहले क्यों नहीं दिया यार? दो दिन से परेशान है हम। अरे क्या दिमाग आया है? पहले कहा था निकल जाएंगे वो लोग, चलो जल्दी करो। हाँ, पर कोट तो पहन लीजिए ना। गाड़ी में पहुंच चुका है। अरे तो चलो जल्दी करो विकी। काजल नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। संजना कहाँ है? लो वो तो तुम्हारे घर गई है। वो मेरे घर गई है क्यों? माफी मांगने को, कल का इतनी उल्टा सीधा बोला ना आपको। अरे काजल तुम अपने घर जाओगी और वो इधर आएगी, इससे अच्छा तुम यही उसका इंतजार करो, बस अभी आती होगी वो। हाँ बेटा हमें तो एक जरूरी काम से बाहर जाना है, प्लीज डोंट माइंड। राम सिंह जी। नहीं लक्ष्मी, चाय कॉफी कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। संजना अरे कोई घर पर है कि नहीं? ओ, तुम यहां खड़ी हो, अच्छा तुम मुझे अकेले में मिल गए। संजना मैं तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता हूं। भाई साहब पर नाराज है ना, लेकिन भाभी कसूर मेरा है, असली गुनेगार मैं हूं। भाई साहब तो हीरा है हीरा, उनके बाद ऊपर वाले ने अच्छे इंसान पैदा करने ही बंद कर दिए, डाई तोड़ दी उसने। एक ही तो शौक है मेरा, लड़की। ये लड़कियां पटाना एक आर्ट है और इसमें मैं माहिर हूं। ये लड़कियां पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मुश्किल लड़की हो तो किसी और का सच्चा आशिक बनकर सुसाइड करने पहुंच जाओ, लड़की बचाने के पीछे पड़ जाएगी, बस फिर मजे उठा। लेकिन ये संजना जरा अलग टाइप की निकली, जब भी मैं पास जाता बस एक ही बात, नहीं अभी नहीं शादी के बाद। साला इसी चक्कर में बीवी बनाना पड़ा उसे। ये मेरी बीवी है ना, सर दर्द है 24 घंटे झिकझिक झिकझिक झिकझिक, कोई भी आदमी कैसे रह सकता उसके साथ? वैसे भी कोई मर्द एक ही औरत के साथ सारी जिंदगी रहे, मेरी समझ में तो नहीं आता। रहने वाले रहते हैं जैसे कि तुम्हारा सनी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। सच झूठ जब देखो झूठ मत बोलना। अरे भाई झूठ को समझने की समझ है उसमें, हजारों झूठ बोले होंगे मैंने उसे। पहला झूठ कि मैं झूठ बोलता ही नहीं, दूसरा झूठ कि उसके सिवा में किसी और से प्यार करता है। लेकिन सच तो ये है मैं बॉबी से प्यार करता हूं, इसीलिए तो बॉबी को मैंने अपने दूसरे घर में रखा हुआ है, जहां मैं आराम से जाता हूं बैठता हूं सुकून से रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बस यूं समझो कि बॉबी और मैं मियां बीवी की तरह रह रहे हैं। एक आखिरी हथियारी बचा है, मैंने अपने घर में चलाया था, बराबर निशाने पे लगा था सर। कौन सा हथियार? तलाक का। सर मेरा आइडिया पूरा सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपके घर बचाने के चक्कर में हूं सर। सर एक दिन मेरी बीवी ने झगड़ा किया मुझसे और कहा कि मैं मायके चली जाऊंगी। मैंने कहा ए चल चल तलाक ले फिर घर जाने की बात कर। और सर वो दिन है और आज का दिन है, मेरी बीवी सोती भी है तो अपने मैके की ओर पीट करके सोती है सर। सर मैं एक कुर्सी ले लूं? सर मर्दों के पास अपनी बीवियों को डराने का इससे अच्छा हथियार हो ही नहीं सकता। सर ये कुरियर से है,
थैंक यू। ये तेरा है। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हमें अपना आइडिया सुनाने से पहले हमारी बीवियों को सुना के आया था क्या? उन्होंने हमें तलाक का नोटिस भेजा है। अब क्या होगा? अब तो भगवान ही मालिक है सर, भगवान ही मालिक है। अपने आप को संभाल सनी, बी पॉजिटिव। तू इतना हंस क्यों रहा है? मेरा लाल है और आपका पीला। अरे यहाँ हमारी जिंदगी बेरंग होती जा रही है और तुझे एनवेलप के रंग की पड़ी है। अरे कुछ सोच, कुछ सोच। सोच रहा हूँ हमें इस हाल में पहुंचाकर क्या कर रहे होंगे अपने प्रेम भाई साहब। हेलो हेलो प्रेम, मैं किशन बोल रहा हूँ। किशन कौन? किशन आप बोल, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ लड़कियों के साथ, जल्दी बोल। मैंने कहा था ना वो बिजनेस टूर पर नहीं गया है, वहाँ लड़कियों के साथ बैठकर स्विमिंग पूल में तैर रहा है और ऐश कर रहा है रात को। अरे वहाँ दिन है यार। ओ, बात करो, बात करो। प्रेम प्रेम यहाँ जलजला आ गया है। भूकंप भूकंप। अरे बैड यार, लेकिन यहाँ पे तो न्यूज में कुछ दिखा नहीं लोगों ने। यार तेरी वजह से मैं बहुत हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। मेरी जिंदगी मेरी हमारी हमारी हाँ हमारी जिंदगी हमारी बीवियों ने बर्बाद कर दी है। अरे हमारी हमारी क्या कह जा रहा है, ये सब और किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? मैं प्रेम भाई शेखर 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 तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हाँ और तलाक भी होने वाली है। तलाक? प्रेम भाई इतना चौक मत, जो फुलझड़ी तूने मेरे गेस्ट हाउस में भेजी थी उसकी वजह से हमारे घर में आग लग चुकी है। वेरी गुड, लेकिन वो फुलझड़ी नहीं सुतली बम था। लाना थे तुम लोगों पर, दो लोग होकर भी एक चक्कर नहीं छुपा सके। एक अखबार का एडिटर, दूसरा क्राइम रिपोर्टर, तुम लोगों का अखबार चल कैसे रहा है? अखबार को मार गोली, पहले ये सोच। डर के मत, प्यार से बात करो, प्यार से। ठीक है तू बात कर, तू बात कर। प्रेम भाई यहाँ मामला बहुत सीरियस है, आप सीरियसली कुछ करिए वरना आपके दोस्त के साथ मैं। दोस्त आसान सी चीजें नहीं कर सकते, अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकते, एक बॉबी को संभाल नहीं सकते और तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोस्त वोस्त। ए प्रेम लेक्चर मत दे, लेक्चर मत दे, पहले यहाँ आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या नहीं तो नहीं तो प्रेम भाई हम दोनों के घर टूट जाएंगे। मुझे पता है आपका दिमाग कैसेट की तरह दोनों तरफ चलता है, ए साइड भी बी साइड भी। आप इंडिया फॉरन लौट आओ, हम लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं। अबे रो मत, आ रहा हूँ, चल। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपने देवता जैसे पतियों पे शक करती हो और वो भी किसके साथ? बॉबी के साथ जो कि इनकी भाभी है। अरे शी इज माय वाइफ, वो मेरी धर्मपत्नी है। प्रेम क्यों अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनका गुनाह अपने सर ले रहे हो? काजल मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले रहा, मैं अपने दोस्तों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये दोनों एक एक हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। क्या क्या अभी भी यकीन नहीं आ रहा? लगता है भाभियों को मेरी लाइफ की पूरी ज्योग्राफी समझानी पड़ेगी। गौर से सुनिए, बॉबी और मैं एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे। बॉबी के पिताजी और मेरे बाबूजी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, इसलिए बॉबी और मैंने चुपके से शादी कर ली। अब शादी के नेक्स्ट डे की सुनो, मेरे बाबूजी गए बरिश्ता कॉफी पीने, वहाँ उनसे पूजा टकराई, उनके दिल को भाई और उन्होंने बना दी उसे मेरी लुगाई। तुम जो भी समझो लेकिन मैं अपने बाबूजी का दिल नहीं तोड़ सकता था, मेरे बाबूजी दिल के मरीज थे। अरे उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी, जब वो बात करते तो अपना हाथ अपने हार्ट के पास रख के बात करते थे, और मुझे उसी चीज से डर लगा रहता था कि अगर उनका हाथ उनके हार्ट से सर गया तो मेरे हाथों में दुनिया का सबसे भारी बोझ होता। अब तो ड्राइवर की तरह एक दो रन लेते हो, ये तो सेवक की तरह ठोकते जा रहे। ठोकते ठोकते विकेट नहीं गवा दे वरना हम दोनों आउट हो जाएंगे। मेरे बाबूजी मेरे शादी से बहुत खुश थे, मेरे बाबूजी इतने खुश थे, इतने खुश थे। शादी के दो दिन बाद खुशी के मारे उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए और मुझे दो बीवियों के साथ छोड़ गए।
उनकी बहुत याद आती मुझे। छोड़ो ये सब डिप्रेसिंग बातों को। पॉइंट पे आ जाते। जब मैं शहर छोड़ के जाता था तुम पूजा का ख्याल रखती थी, रह जाती थी अकेली तन्हा बेचारी बॉबी। मैंने इनसे सिर्फ इतना ही कहा, अपने दोस्तों को बोला कि जब मैं टाउन में नहीं हूं तब तुम मेरे लिए उसका थोड़ा सा देखभाल करना जो इन लोगों ने किया। लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? लेकिन सच भी तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि तुम रही पूजा की सहेली। तुम जाके अपना मुंह फाड़ देती वहां पे कि बॉबी मेरी बीवी है, दिस इज माय वाइफ। फिर मैं कौन? सुनो, ये दोनों पकड़े गए, मैं इनको बचा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक लड़की। ए, ए, प्रेम, ये कान में क्या खुसर फुसर कर रहा है? अबे रुक ना, रुक। अरे ऐसे ऐसा क्या कर रहा है, पता ना क्या बोल रहा है। अबे दो मिनट के लिए रुक जा प्लीज। नहीं नहीं प्रेम भाई, जो बोलना है सबके सामने बोलिए। अबे तो सुन पूजा, इन दोनों का फोन आया मुझे साउथ अफ्रीका में, जल्दी आ जा, हमारे बीवियों को हमारे चक्कर के बारे में पता चल गया, आके बचा ले हमें, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अरे दोस्त है इसलिए आना पड़ा मुझे। अरे दोस्त है तो ये क्या बोल रहा है तू? अबे ये दोस्ती एक जन्म का साथ है, मेरी बीवी का साथ सात जन्मों तक का है। अबे ये कौन सी गणित हुई कि एक जन्म के लिए कि अपनी बीवी का सात जन्मों का साथ बर्बाद कर दूं? अरे आप ही ने बर्बाद किया है भाई साहब को, बॉबी के चक्कर में आप ही ने फंसाया, मैं गवाह हूं और मुझे इन्होंने फंसाया, ये गवाह है। पूजा ये दोनों ना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या मैंने कभी आपको फोन करके जानने की कोशिश की कि आप ऑफिस में हैं या नहीं? और रात को जब भी आप देर से लौटकर घर आते हो, क्या मैंने कभी आपसे कोई सवाल किया कि आप कहां थे और आपने इतनी देर क्यों लगाई? जब भी आप घर पे नहीं होते थे, न जाने कितनी सारी लड़कियों के फोन आपके लिए आते थे और मैंने हर एक का मैसेज आपके लिए लिखकर रखा, कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। आज आपने अपनी पूजा को खो दिया, खो दिया। पूजा ये तीनों दोस्त एक जैसे ही हैं। ओ सुनिए, मुझे इनका पता नहीं लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं, झूठा मक्कार। अपनी बेगुनाही का सबूत अब तुम भी कोर्ट में ही देना। चलो पूजा। नहीं पूजा, पूजा कहीं नहीं जाएगी। ए गाइस हेल्प यार, पूजा सुनो, बैडमिंटन कोर्ट जाओ, टेनिस कोर्ट जाओ, फूड कोर्ट जाओ, लेकिन वो कोर्ट मत जाना पूजा। ए पूजा, अरे लड़के जवाब तक नहीं दिया यार। जवाब मिल गया प्रेम। क्या? हमें नोटिस के साथ और तुझे बिना नोटिस के। बॉबी। हाय। क्या कर दिया है? समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे होते हुए इतनी गड़बड़ कैसे हो गई? टाइम बॉबी टाइम, जब टाइम खराब चलता है ना, अच्छा करने जाऊं साला बुरा हो जाता है। लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? अरे मैं तुमसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम उन दोनों की बीवी को जाके बोलो कि वो इस चक्कर में सिर्फ मेरी वजह से फंसे हैं और वो दोनों गेले हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यार बॉबी, मेरी जो बीवी है ना, वो काजल संजना की तरह चक्की और गुस्से वाली नहीं है, गाय है, गाय बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, थोड़ी थोड़ी गुस्से में भड़की हुई है लेकिन मैं उसे समझा लूंगा। तुम फिर से उधर देखने लगे? नहीं, सब नाच रहे हैं, ये तीर क्यों नहीं नाच रही? मैडम्स, आप लोगों को ये गाना पसंद नहीं है? पूजा अब इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही तरीका है। कब बताओगे? डिवोर्स मिलने के बाद? सनी, हम दोनों अपनी अपनी बीवियों से माफी मांग लेते हैं। मतलब जो गलतियां हमने नहीं की उन्हें मान ले? नहीं, हम बेकसूर हैं ये तो आप कभी नहीं मानेंगी, राइट सनी? माफी मांगने से एटलीस्ट उन्हें ये तो एहसास होगा कि हम पछता रहे हैं, शर्मिंदा हैं, इसलिए सच बोल रहे हैं। हमारे सच को वो झूठ मानती आई हैं,
तो क्या झूठ को सच मानेंगी? यकीन दिलाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव यार। भाई साहब ये जो बार बार बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, क्या है ये बी पॉजिटिव? ब्लड ग्रुप है मेरा।